कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद से और ज्यादा एक्टिव हो गए, साथ ही वो तमाम मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल ने आज एक ट्वीट कर बताया कि केवल वो एक महिला से मिले जिनके किसान पति ने 50,000 रुपये का कर्ज होने के कारण आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक बार फिर दो भारत का जिक्र करते हुए कहा कि एक भारत जहां पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी है, और दूसरा भारत जिसमें अन्य दाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी है। उन्होंने कहा कि देश में ये दो भारत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर गरीब और बेरोजगार लोग शामिल हैं। इस दौरान उनकी कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिन्हें देख लोग भावुक हो गए। लोग उन्हें मिलकर अपनी तमाम परेशानियां बता रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को केरल से शुरू हुई थी। 30 सितंबर को यात्रा कर्नाटक पहुंची। 31 अक्टूबर तक यात्रा यहां जारी रहेगी। बीते दिन इस यात्रा में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बेच राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा की। बता दें कि दिवंगत पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। कर्नाटक के मांड्या जिले में बेलूर क्रॉस पर दोनों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 की रात बेंगलुरु के राज राजेश्वरी नगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का मामला कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कर्नाटक राज्य से गुजर रही है। गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी से मिली और फिर इस यात्रा में कुछ दूर पैदल चली। राहुल गांधी ने इंदिरा लंकेश को गले लगाकर उनका यात्रा में स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी दिवंगत पत्रकार की मां का हाथ पकड़कर चल रहे थे। गौरी लंकेश कर्नाटक की ही निवासी थी। दिवंगत पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। बता दें कि इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक राज्य से गुजर रही है। गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी से मिली और फिर इस यात्रा में कुछ दूर तक पैदल चली। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।